खतरनाक स्टेज के ऊपर है। अगर ये महंगाई को नहीं रोका गया तो श्रीलंका वाला हालत यहाँ देश के अंदर होने में देर नहीं लगेगी। ये वही नेता हैं जब 1 रुपए किलो बढ़ता था तो रोड पर नाचने का काम करते थे, कहीं सिलेंडर रखकर नाचने का काम करते थे। आज वो नेता कहाँ चले गए जब देश की जनता, गरीब जनता पिस रही है। कुछ अंधभक्त हैं जो ये कहते हैं कि देश हित में महंगाई है। अरे भाई वो कौन सा देश का हित है? 80% 90% देश का गरीब लोग भूख से मर जाएगा, क्या वो देश हित है? ये देख रहे हैं 30 रुपए की माला मिली है ये। अगर कोई शमशान घाट जाएगा ना 10-20 माला लेनी पड़ेगी तो 30 रुपए की ये माला है, एक माला। अब इस देश के अंदर जहाँ 15-12 रुपए का एक नींबू मिल रहा हो, 2 रुपए की एक मिर्च मिल रही हो, 5 मिर्चें 10 रुपए की मिली है, 100 रुपए किलो हो रहा है, वहाँ देश का क्या हाल होने वाला है? ये देशभक्तों को चेतावनी देना चाहता हूँ। जो देशभक्त अपने आप को बीजेपी के कह रहे हैं ना, श्रीलंका का हाल देख लो क्या हो रहा है। ऐसे ही देशभक्ति तुम्हारी कहीं दूसरी तरफ ना चली जाए कि हम देशभक्त बनते रहे, देशभक्त के नाम पे हमारी जेब खाली होती जाए और उद्योगपतियों की भर्ती चली जाए, 95% खाली करते जाओ और 5% की जेब में पैसा जा रहा है। उनको पैसा ज्यादा देने के लिए 95% जनता को गुमराह देशभक्ति के नाम पे किया जा रहा है। ये उसके लिए हम ये नींबू और प्याज इसलिए भी लाए ताकि ये नजर उतर जाए। लोग कहते हैं ना नींबू प्याज लगा दो नजर उतर जाती है, हालांकि ये टोटका है, मैं उसको मानता नहीं हूँ, लेकिन एक समझाने के माध्यम से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जनता की आंखों के अंदर ऐसा काजल डाल दिया गया है कि गुमराह हो गई है। ये हम इस दो माध्यम से उसकी जनता का समझाने के लिए, उनकी नजर उतारने के लिए नींबू और ये प्याज खरीद के लाए 22 रुपए के। तो आज हालत बहुत देश की बुरी हो चुकी है, खतरनाक स्टेज के ऊपर है। अगर ये महंगाई को नहीं रोका गया तो श्रीलंका वाला हालत यहाँ देश के अंदर होने में देर नहीं लगेगी। भुखमरी इतनी फैल जाएगी, आप अंदाजा तो लगाओ आज घर का खर्चा कितना हो चुका है, आपकी आमदन कितनी बढ़ गई है। 2000 आमदन बढ़ती है, 6000 खर्चा बढ़ा देते हैं तो नेगेटिव जा रहा सारा कुछ, और गुमराह करने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो गुमराह होने की जरूरत नहीं है देश की जनता को। देशभक्त वही होता है, देश प्रेमी वही होता है जो गरीब जनता को कम से कम पैसे के अंदर राशन उपलब्ध कराएगा, कपड़ा उपलब्ध कराएगा, मकान उपलब्ध कराएगा। आज सीमेंट का रेट देखो कितना हो चुका है, गरीब आदमी पे तो जमीन नहीं है और कहीं से गलती से जमीन ले लेगा तो बना नहीं सकता है। ना कैसे हो रहा है, ना तो जनता जैसे कमा रहे वही खा पी रहे हैं, कहाँ से इतना जितना सरकार तनखा नहीं दे रही, इतनी तो महंगाई हो रही है, कमाई नहीं हो रही है, इंसान खाएगा क्या? हम हमारा हक मांगने आए हैं, हमें हक मिले, जो हमारे घोंसले तोड़े जा रहे, हमें घोंसले मिले। तो वो लोग सेंटर को लेकर के रोडों पर नाचा करते थे और आज वो महंगाई के नाम पर इतने शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई के नाम पर जनता को लूटने और सही मायने में जनता का गला घोटने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ये वही नेता हैं जब 1 रुपए किलो बढ़ता था तो रोड पर नाचने का काम करते थे, कहीं सिलेंडर रखकर नाचने का काम करते थे। आज वो नेता कहाँ चले गए जब देश की जनता, गरीब जनता पिस रही है, 200 रुपए किलो तेल खरीद कर खाने का काम कर रही है, गरीब बच्चों को पढ़ाना इतना महंगा हो गया है, शिक्षा में प्राइवेट स्कूलों को जो है इतना बढ़ावा देने का भारतीय जनता पार्टी की काम कर रही है। यह इनकी दोहरी मानसिकता को दिखाने का काम कर रहा है। इनकी नीतियां ठीक नहीं है, ये जनता समझ चुकी है, ये जनता बनाना जानती है तो आने वाले समय में इनको जो है बदलना भी जानती है। आटा 35 रुपए किलो हो गया है, रिफाइंड सरसों के तेल सभी चीजें, दूध इतना महंगा है, बच्चों की स्कूल की फीस आज 3000-4000 रुपए स्कूल की फीस कहाँ से लाएं? जो बच्चे 134A के तहत गरीब बच्चे पढ़ते थे उस 134A को इस सरकार ने हटा दिया है। गरीब का बच्चा पढ़ ना पाए, आगे बढ़ ना पाए, वो अफसर ना बने, डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने, वो इनके मुताबिक सिर्फ पकौड़ा तलता रहे, इसीलिए गरीब के बच्चे को गरीब रखना चाहते, उसे पढ़ाना नहीं चाहते। हम भाजपा सरकार को चेतावनी देने आए हैं, मोदी
सरकार को चेतावनी देने आए हैं, इस खट्टर सरकार की खटारा सरकार को चेतावनी देने आए हैं। यदि इन्होंने ये बढ़ती हुई कीमतें कम नहीं की तो इनकी सरकार को यही देश की जनता उखाड़ फेंकेगी। इन्होंने पिछली बार सरकार में आने के लिए 100 साल संघर्ष किया, ये 100 साल तक सड़कों पे इधर उधर की ठोकरें खाते रहे। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किए, लेकिन आज वही आंदोलन जनता इनके खिलाफ करने के लिए मजबूर है। पिछली बार इन्होंने 100 साल संघर्ष किया था सत्ता में आने के लिए, अब की बार ये सरकार जनता इनको ऐसा खदेड़ेगी कि ये 1000 साल तक गुमनामी के अंधेरे में पड़े रहेंगे। हम जी लेकिन लोग कह रहे हैं, सरकार बार बार यही कहती है कि जो महंगाई है वो देश हित में हो रही है। देश हित में महंगाई अगर हो रही होती तो गरीब आदमी भूख से मर न रहा होता, किसान आत्महत्या ना कर रहा होता, मजदूर मजदूरी के लिए तड़प ना रहा होता। आज अगर देश हित में महंगाई हो रही होती तो श्रीलंका में भी इसी प्रकार से देश हित में महंगाई हो रही थी, जो वहाँ की GDP डाउन हो गई और वहाँ पे त्राही मच रहा है। देश हित में जो अंधभक्त ये कहते हैं कि देश, ये सरकार नहीं कहती, कुछ अंधभक्त हैं जो ये कहते हैं कि देश हित में महंगाई है। अरे भाई वो कौन सा देश का हित है? 80% 90% देश का गरीब लोग भूख से मर जाएगा, क्या वो देश हित है? ये कौन सा देश हित है हमें समझ नहीं आ रहा है। सरकार को बहुत लोग चेता भी रहे हैं, जैसे कि अभी आपने कहा जो श्रीलंका का आपने उदाहरण दिया, तो क्या मानते हैं आप कि अगर स्थिति ना बदली तो श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं? उससे भी बुरे हाल होंगे, क्योंकि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 125 करोड़ से ज़्यादा है, 100 करोड़ से ज़्यादा गरीब जनता इस देश में रहती है, और आप 100 करोड़ लोगों को जब पेट में रोटी नहीं मिलेगी, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, उनको वो टाइम पे खा नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? अपराध बढ़ेंगे, लोग आत्महत्याएं करेंगे। आज जो देश में घटनाएं हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से रोज उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि लोग अशिक्षित हैं। अगर लोग शिक्षा सस्ती नहीं होगी तो कैसे लोग शिक्षित होंगे? जो शिक्षित है उन्हें रोजगार नहीं है। हाँ। जो शिक्षित है उन्हें रोजगार नहीं है। हमारे बच्चे 10वीं 12वीं पढ़ के और यूजे वो घरों में बैठे पड़े हैं, उन्हें नौकरी नहीं है, तो भूख तो बढ़नी है ना। बताओ क्या करेगा गरीब आदमी? क्या लग रहा है आपको, सरकार शिक्षा नौकरियाँ खत्म कर रही है? ये सरकार बदलनी चाहिए, इसने तो भूखा मार दिया लोग, जो चुकी झोपड़ियाँ उन्हें उखाड़ने के लिए तैयार रही है। गरीब आदमी क्या करेगा बताओ? 50-50 साल से लोग पड़े हैं अपने कहीं पे भी, उन्हें उठा रहे हैं ये सरकार में। सरकारी नौकरी होगी, आज तक किसी को एक नौकरी नहीं है। सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो महंगाई है, महंगाई किसी एक की नहीं है, ये महंगाई देशव्यापी महंगाई है। इसमें आम जन को आगे आना पड़ेगा। यहाँ ये नहीं कि भाई कोई भी पार्टी सारे के सारे चुपचाप नहीं बैठ सकते, ये एक जन जन की बात है। आज रोटी कपड़ों और मकान, खाने की वस्तुएं, पेट्रोल, आपका CNG डेवाडे जो ये बढ़ रही हैं, वो भयानक रूप ले रही हैं। आम जन का जीना बहुत ही दुश्वार हो जाएगा। इसलिए आज जिला वस्पा फरीदाबाद यूनिट जो आज ज्ञापन जिला उपायुक्त जी के माध्यम से राष्ट्रपति जी के नाम जो ज्ञापन देने आई हुई है, इसमें इनको सोच समझ के ही जो है इस पर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है।